साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, ठीक है। दोस्तों आज मैं आपको जो शुक्रवार की रेमेडी दे रहा हूं, इसको दोस्तों इतनी खास है, ये एक प्राचीन एक गुप्त टोटका है। इसको रिजल्ट दोस्तों आपको तुरंत में ही, इसका प्रतिफल कहा जाता है कि तुरंत में ही दिखाई देने को मिलता है, ठीक है। बिना खर्ची का उपाय है, एक कहा जाता है एक टोना टोटका है। इसको यदि आप कर लेते हैं तो इसका प्रतिफल आपको बहुत जल्दी तुरंत में ही, कहा जाए तो 2 या 3 दिन में ही दिखाई देने लगेगा। और इस प्रयोग को दोस्तों आप किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं। मतलब कि देखिए, धन संबंधित परेशानी तो दूर होंगी ही होंगी, कर्ज बहुत ज्यादा है तो वो भी दूर होगा। इसके साथ में यदि आपकी कोई मनोकामना है, कोई ऐसा काम है जिसको आप काफी टाइम से लगे हुए हैं लेकिन वो काम आपका नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए इस काम को कर सकते हैं। और खास करके जिनका मतलब कि जो बेरोजगार हैं वो लोग तो इस प्रयोग को जरूर करें, क्योंकि मैंने कमेंट्स में देखा हुआ था कि सर सरकारी नौकरी के लिए कोई वीडियो बनाइए, तो उसके लिए दोस्तों इस प्रयोग का बिल्कुल कर सकते हैं। आपको 6 से 7 दिन में इसका रिजल्ट दिखाई देगा। दोस्तों देखिए, कोई भी टोने टोटके करते हैं तो सबसे पहले एक चीज का हमेशा याद रखें कि अपने आपको पॉजिटिव रखें और विश्वास के साथ में करें, ठीक है। और जिस भी कार्य के लिए कर रहे हैं तो अपने दिमाग में इंटेंशन क्लियर रखें कि मैं इसलिए इस प्रयोग को कर रहा हूं। और इस प्रयोग को दोस्तों कोई खर्चा नहीं आपका, सिर्फ घर की जो आपकी चाकू है उससे इस रेमेडी को आपको करनी है। यदि कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और इस प्रयोग को करने के लिए दोस्तों आपको रात्रि का समय चयन करना है, जब आप सोने जाने लगते हैं, ठीक है। जब सोने जाने लगते हैं तो जिसमें जब मुख्य दरवाजा जो होता है आपका उसको बंद कर रहे होते हैं, तब इस प्रयोग को करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। दोस्तों मेरे जो उपाय होते हैं शास्त्र सम्मत होते हैं, ठीक है, प्रमाणिक होते हैं, बस जरूरत होती है आपके आस्था के विश्वास की। मेरे जो भी प्रयोग होते हैं प्रमाणित इसलिए होते हैं, मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं उन पे पहले मैं जब इन प्रयोग को टेस्ट कर लेता हूं, ठीक है, और जब उनके फीडबैक अच्छे आते हैं कि हाँ सर रिजल्ट मिल रहा है, तब मैं ऐसे प्रयोग आप लोगों के सामने प्रसारित करता हूं। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो अपने अंदर के फॉल्ट को देखिए कि आपको क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि काफी लोग के कमेंट्स मैंने देखे कि 85% तो मेरे दोस्तों वीडियोस में आप कमेंट देखेंगे पॉजिटिव ही मिलेंगे कि 100% रिजल्ट मिलता है, लेकिन सिर्फ 15% लोग ऐसे होते हैं जिनको कमेंट्स आते हैं कि सर मैंने काफी रेमेडीज की तो मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि देखिए, अगर आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है, यदि बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस है तो आपको कोई रेमेडीज नहीं मिल, कोई भी रेमेडीज का रिजल्ट नहीं मिलेगा। या इसके अलावा आपका घर का वास्तु अनबैलेंस है, या फिर आपके घर में किसी प्रकार की कोई बंदिश है, तंत्र मंत्र किया कराए टोना टोटका, ऐसी कंडीशन में भी कोई रिजल्ट, कोई रेमेडीज वर्क नहीं करती है, है ना। बाकी अगर दोस्तों अगर आप पूरे विश्वास के साथ में पॉजिटिव होकर के कोई भी रेमेडीज करते हैं तो उसका 100% रिजल्ट आता है। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूं जो खास जानकारी आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो और आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। कभी भी कोई भी जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा तो आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी, वो जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि YouTube की जितनी भी रेमेडीज होती हैं जनरल होती हैं, किसी के साथ रेजोनेट हो जाती हैं, किसी के साथ नहीं होती हैं, किसी को रिजल्ट देती हैं, किसी को नहीं देती हैं। जिसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो सीधी सी बात है कि आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है, या बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट ऐसा है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं और बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडीज की जाती है तो 100% वर्क करती है। और मेरे द्वारा कोई भी रेमेडीज आपको बर्थ चार्ट के हिसाब से दी जाएगी तो उसका रिजल्ट आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे, ठीक है। और यदि आपका बर्थ चार्ट यदि कंफर्म नहीं है, बर्थ चार्ट आपका नहीं है, तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी जो भी समस्या है उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे। यदि घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, कर्ज बहुत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, शादी विवाह में दिक्कत हो रही है, या फिर कैरियर में स्टडी में दिक्कत आ रही है, ऐसी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं
तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। छोटी सी माइनर फीस रखी गई है, आप फीस पे करके अपने अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है उसका 100% आपको सोल्यूशन दिया जाएगा और जो भी रेमेडीज आपको दी जाएंगी जिसका परिवर्तन आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रयोग को आपको शुक्रवार से स्टार्ट करना है, ठीक है। मेरी शर्त यही है कि प्रयोग आप करेंगे, सात्विक प्रयोग होते हैं, रिजल्ट तभी देते हैं जब सात्विक तरीके से किए जाएं। तो महिलाएं यदि कर रही हैं तो असिद्धि वाले दिन में नहीं करना है, नॉनवेज नहीं लेना है, कोई स्टोन वगैरह ना पहना हो, ठीक है। और 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है, लेकिन एक बार जो स्टार्ट करेगा कम से कम दोस्तों इसको 7 से 11 दिन लगातार करने के लिए कहा गया है, लेकिन 3 दिन में अपना परिवर्तन अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है। तो जो व्यक्ति पहले दिन इस प्रयोग को करेगा उसे ही कंटिन्यू इस प्रयोग को करना है। अगर घर का मेन मुखिया करता है जिसकी इनकम से घर चलता है तो बेस्ट रहेगा, या जिसके ऊपर प्रॉब्लम्स हैं वो इस प्रयोग को कर सकता है। शुक्रवार को क्या करना है आपको, आपके घर की यूज की हुई चाकू, ठीक है, जिस चाकू का आप यूज करते हैं वो आपको ले लेना है। साथ में थोड़ी सी आपको ले लेनी है काली तिल, सीधे हाथ में रखेंगे पहले थोड़ी सी काली तिल रख लेंगे, ठीक है, उसके ऊपर आपको रख लेना है चाकू। दोस्तों देखिए कोई भी प्रयोग करते हैं तो अपने इंटेंशन क्लियर रखें, ये नहीं कि आपने सिर्फ उपाय कर लिया और मन में कुछ भी नहीं, किस चीज के लिए कर रहे हैं, अपने मन में इन विचारों को लाएं कि मैं इस चीज के लिए, मैं धन प्राप्ति के लिए कर रहा हूं, दरिद्रता से मुक्ति के लिए कर रहा हूं, कर्ज से मुक्ति के लिए कर रहा हूं, बेरोजगारी से मुक्ति के लिए कर रहा हूं। तो जिस भी चीज के लिए कर रहे हैं उस चीज को मन में अपने इंटेंशन क्लियर रख के थोड़ी से तिल हाथ में ले लेंगे, चाकू हाथ में ले लेंगे और रात्रि में जब आप सभी कामों से खाना पीना सब चीज से फुर्सत होके जस्ट आप सोने जाने लगते हैं और अपना मुख्य दरवाजा जब बंद कर रहे हो, ठीक है, तो वहां से आपको क्या करना है, तिल के साथ में उस चाकू को बाहर फेंक देना है। फेंकने के बाद में आप दरवाजा बंद करके सो सकते हैं। अब दूसरे दिन आपको क्या करना है, ये तिल तो ठीक है आपने फेंक दिए, तिल आपको नहीं उठाने हैं, लेकिन वो चाकू आपको उठा लेना है। चाकू को उठा करके अपने घर के कहीं ऐसे स्थान में रख देना है, गुप्त स्थान में, जहां पर आपकी भी नजर ना पड़े, मतलब कि दूसरे दिन रात्रि में फिर आप प्रयोग करेंगे लेकिन दिन भर आपको दिखाई ना दे वो चाकू, रात्रि में ही आपको जाकर उस चाकू को निकालना है। तो किसी गुप्त स्थान में आपको इस चाकू को आपको रख देना है। दोस्तों 3 दिन में आपको इसका परिवर्तन नजर आने लगेगा। अगर आपने कर्ज मुक्ति के लिए किया है तो धन प्राप्ति के योग बनेंगे, यदि घर में धन की बरकत नहीं है तो घर में धन की बरकत होगी। किसी भी मनोकामना के लिए, किसी भी कार्य के लिए आप प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कार्य धीरे धीरे आपका पूरा होने लगा है, वो कार्य पूर्ण होने के योग बनना शुरू हो जाएंगे। बेरोजगार है तो रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा आपका, व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसमें वृद्धि होगी, ग्रोथ मिलेगी। कोई एग्जाम वगैरह क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उससे पहले इस प्रयोग को कर सकते हैं। मतलब कि जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, एकदम पॉजिटिव होकर के करना है। और उसके बाद में जब आपको ऐसा लगे कि 3 दिन में या 7 दिन में या 11 दिन में आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है तो अब चाकू का आपको क्या करना है, चाकू को उठा करके कहा गया है कि किसी भी भैरव मंदिर में, ठीक है, आप भैरव मंदिर जाकर के वहां पर इसको रख सकते हैं। शमशान वगैरह में भैरव मंदिर मिल जाते हैं तो भैरव बाबा के मंदिर में वहां पर इसको रख सकते हैं, या कोई पवित्र नदी में शिवलिंग है स्थापित है वहां पर रख सकते हैं, किसी शिव मंदिर में रख सकते हैं। इसके अलावा माँ काली के मंदिर में, माँ काली का कोई मंदिर हो वहां पर इस चाकू को आप रख करके आ सकते हैं। एक चाकू जो आप यूज करेंगे उसको यदि उससे आपके मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो दोबारा इस चाकू को आपको उपयोग में नहीं लेना है। इस चाकू को आपको भैरव मंदिर में या कोई नदी किनारे शिवलिंग स्थापित हो वहां पर, या किसी शिवालय में, और या फिर माता रानी के, माँ काली के मंदिर में इस चाकू को छोड़ करके आपको आ जाना है। फिर बाद में दूसरी मनोकामना के लिए, दूसरी परेशानी से मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो दूसरी चाकू का यूज करें। बस आपको दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है कि चाकू जब आप सुबह में जो भी मेंबर्स दरवाजा खोलता है तो वही मेंबर्स जाके चाकू को उठा करके और गुप्त स्थान में रख देगा। बहुत ही सावधानी से इस प्रयोग को करिए, चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आएगा। दोस्तों ये आज का नहीं, बहुत ही पुराना टोटका है। ये टोटका जो होते हैं इसमें किसी की टोक नहीं लगनी चाहिए, इसलिए गुप्त तरीके से इस प्रयोग को करना है, ठीक है, और पूरे विश्वास के साथ में पॉजिटिव होकर के करना है। क्योंकि देखिए आप एक कर्म कर रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। अगर डाउट क्रिएट करेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप शंका करेंगे तो नहीं मिलेगा, और विश्वास से करेंगे तो 100% मिलेगा रिजल्ट, ठीक है। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, मेरा काम तो दोस्तों आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना है, विश्वास से आप करना आपको है, और जब रिजल्ट मिल जाए इसका तो अपने अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। क्योंकि जब आप अपने अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो और भी हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि इसी प्रकार की और भी जानकारी आप लोगों के सामने प्रसारित करें, है ना।
तो और आप लोगों के कमेंट करने से क्या होता है कि और लोग भी थोड़ा सा प्रेरित होते हैं कि हाँ आप उनको रिजल्ट मिला है तो इनको भी मिलेगा, विश्वास बढ़ता है लोगों का। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को एक बार देखें, दो बार देखें, जानकारी को अच्छे से समझें, उसके बाद में इस उपाय को करिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपके 100% आपकी हेल्प की जाएगी। बर्थ चार्ट के हिसाब से रेमेडी करना चाहते हैं या फेस रीडिंग लेना चाहते हैं, ठीक है। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूं। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले सकते हैं। जितना आप इस जानकारी को आगे शेयर करेंगे, जितने लोग आपकी दी हुई इस जानकारी से रेमेडी को करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दुआएं देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे। और कुदरत का नियम है, अच्छी चीजें आगे फॉरवर्ड करो 100 गुना रिटर्न में वापस मिलती है। तो शेयर जरूर करें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।